हेलो एवरीवन, ग्रेग शॉर्ट हैंड के चैप्टर 7 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पिछली बार एस को कवर किया था रूल्स के साथ, आज एथ एथ को कवर करने जा रहे हैं। सो एथ एथ को अगर याद करना हो, मेमोराइज करना हो, तो एथ को जैसे हम लोग टी एथ लिखते हैं, ऐसे टी एथ, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ पे घूम रही है, जो कर्व जो है, ये कर्व, ठीक है, ये ही होता है टी एथ, जिसको हम लोग प्रनन करते हैं एथ, थ, ठीक है, थ, एथ, दी, ये तीन इसकी वो होती है प्रोनंसिएशन, एथ, दी, या फिर थ भी बोलते हो, थ, जैसे हैथ, हैथ, थ, ठीक है, जो थी टी एच जो प्रनन करता है ओरिजिनली, ठीक है। अच्छा, एक तो इसको अपवर्ड लिखते हैं, ठीक है, एक तो इस तरह से लिखा जाता है और एक इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, दोनों ही अपवर्ड है, ठीक है। जैसे एस में हुआ था उसमें डाउनवर्ड था, और ये टी एथ एथ जो है ये अपवर्ड लिखा जाता है। अब मैं इस एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कैसे इसको लिखना है। जैसे हेल्थ, हेल्थ है ए थ, हेल्थ, ठीक है, तो एच का डॉट, ई और टी एच थोड़ा ऐसा, ठीक है, हेल्थ, ठीक है। दीज, दीज, दी, 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 जो इसमें दी जो आएगा, दी इज, ठीक है। अब ये कैसे लिखेंगे हम लोग, दी, ये वाला आ गया, थोड़ा सा बेंड कर दिया हमने, ई और एस, ठीक है, दीज, ठीक है। हैथ, हैथ, एथ, ठीक है, हेल्थ में ये वाला आ गया, दीज में ये वाला आ गया, और हेथ में ये वाला आ गया, ठीक है, प्रोनंसिएशन, ठीक है। हेथ को कैसे प्रनन करेंगे, है ए थ, ठीक है, एच डॉट ए और, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि टी एच, टी एच का साइज़ कैसा है। देखो, हमने इसका साइज़ सिमिलर होता है पी और बी के, ठीक है, और फिर लास्ट में आता है टी एच, ठीक है। बी होता है सबसे, बी होता है सबसे लॉन्ग, ठीक है, पी होता है उससे थोड़ा शॉर्ट, और टी एच होता है बिल्कुल ही शॉर्ट। अब रूल्स की बात करें तो एथ का जो रूल है, फर्स्ट रूल, वो कहता है इन वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ एस और एथ और बोथ एंड अ सर्कुलर वॉवल, एस और एथ शुड बी रिटन विद द क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊँ तो समझ लो कोई वर्ड है, समझ लो कोई वर्ड है, ठीक है, बीच में या फिर कहीं भी एस या फिर एथ आता है, ठीक है, उसके आगे या पीछे कहीं भी जैसे वॉवल्स आ जाए, राउंड वॉवल्स, जैसे आई ई या फिर ए, आई ई या फिर ए आ जाए, ठीक है, तो ये जो एस और एथ जो है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट में लिखे जाएंगे। क्लॉकवाइज किस तरह से, क्लॉकवाइज जिस तरह से जैसे एथ, एथ होता है, एथ एक तो इस तरह से बनता है, ठीक है, ये तो आपका बन गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इस तरह से ही बनेगा, ठीक है, इस तरह से एथ बनेगा, सॉरी इस मूवमेंट में बनेगा, ये होगा राइट वाला, ये रॉन्ग, ठीक है। एस भी इस तरह से बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा, इस तरह से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला नीचे की ओर जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला मूवमेंट होगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में आते हैं, एथ का क्लॉकवाइज होगा आपका इस तरह से, ठीक है, और एस का क्लॉकवाइज होगा इस तरह से, ठीक है। एस, एस, ए एस, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना, क्योंकि ए है उसके बाद एस है, ए और एस, सिंपल। सी, एस है उसके बाद ये है, रूल यही कहता है एस या एथ के बाद राउंड वॉवल्स या उससे पहले राउंड वॉवल्स हो तो एस क्लॉकवाइज लिखा जाएगा। एस ई, क्योंकि पहले एस है फिर ई है, तो एस को क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, एस फिर ई, ठीक है। एस ए, एस ए, ई एस ए, सो क्योंकि एस से पहले ई आ रहा है तो क्लॉकवाइज, ई एस ए, ओके। दीज, दीज, डी ई और एस, डी क्योंकि ई है
डी के बाद तो क्लॉकवाइज चला, ई और एस। सीज, एस के बाद वॉवल है, क्लॉकवाइज हो जाएगा एस, ठीक है, एस ई और एस, एस ई और एस। सेथ, एस ई और एथ, एस के बाद ई है और टी एथ के पहले भी ई है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, एस ई और एथ। आपको शायद अब थोड़ा बहुत इन छह एग्जांपल्स के थ्रू समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये फर्स्ट रूल एप्लीकेबल होता है, ये दोनों एस और एथ पे एप्लीकेबल है। अगला जो रूल है वो एंटी क्लॉकवाइज रूल है, वो सिर्फ एथ के लिए है, एस के लिए नहीं है। ये रूल ये कहता है कि एथ इज रिटन एंटी क्लॉकवाइज व्हेन अटैच्ड टू ओ आर एल, मतलब एथ के पहले ओ आर एल या एथ के बाद ओ आर एल अगर आए तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब इस तरह से बनेगा, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। सो पहला वर्ड आता है दो, दो, डी टी एच ओ, दो, ठीक है, यही दो वर्ड से बनेगा, दो ओ, ठीक है, दो, सिंपल। टी एच, अब क्योंकि टी एच के बाद हम चेक करेंगे कि ओ आर एल आ रहा है, हाँ आर है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, टी आर स्मॉल और थ्रो, थ आर ओ, थ थ आर और ओ, थ्रो, ठीक है। एथलीट, ए थ ल ई ट, ठीक है, तो ए थी, क्योंकि थी के बाद एल आ रहा है, हमने चेक कर लिया ओ आर एल में से एल है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ओ ए थी ए टी एच लॉन्ग, सॉरी एल लॉन्ग, ए टी टी एच ए टी एच एल ई और टी ऊपर की ओर, एथलीट, ठीक है। अगला वर्ड आता है मॉथ, एम लॉन्ग एम ओ टी एच, ठीक है, टी एच से पहले ओ आ रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एम ओ और टी एच। अर्थ, अर्थ अ र थ, ठीक है, सो ई आर स्मॉल और टी एच, ठीक है। हेल्थ, हेल्थ है एल ल थ, ठीक है, एच डॉट ई एल लॉन्ग और टी एच, सिंपल। सो सिर्फ एथ के दो ही रूल्स हैं, एक रूल जो है वो क्लॉकवाइज है जो एस और एथ दोनों में फॉलो होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल है जो सिर्फ एथ पे फॉलो होगा। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा जिससे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।